तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के बारे में। आप लोगों को ब्रेडथ फर्स्ट सर्च किस तरह से यूज़ करते हैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी आसानी से आप लोगों ने अगर कोई भी ग्राफ देख लिया ना तो उसका ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एक मिनट में चुटकी में निकाल दोगे आप लोग। बड़ा आसान तरीका बताऊँगा और आप लोगों को कोड भी बताऊंगा कैसे लिखना है, एल्गोरिदम भी सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये साउंड करता है, जितना लोगों ने बना रखा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ ट्रैवर्सल क्या होता है। तो हमने देखा था कि ग्राफ ट्रैवर्सल कुछ नहीं होता है, सिंपली सारे के सारे नोड्स को लिस्ट कर देना होता है। अब आप लोग कहोगे कि यार एक ग्राफ मेरे सामने है, उसके अंदर के सारे नोड्स मेरे सामने हैं, तो उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं उनको मैं बड़े आराम से लिस्ट कर सकता हूँ, तो मैं टेंशन किस बात की ले रहा हूँ, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखो यार, आपके सामने जो ग्राफ होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 5 से लेकर 10 तक नोड्स होते हैं उस ग्राफ के अंदर। लेकिन अगर हम रियल लाइफ ग्राफ्स की बात करें, जैसे कि सारी सिटीज़ इन इंडिया या फिर सारी सिटीज़ इन द वर्ल्ड, अगर इसका हम एक ग्राफ बनाएं तो हमें उसका ब्रेडथ फर्स्ट सर्च यानी कि उसके सारे के सारे नोड्स को विजिट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए होते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स। ग्राफ ट्रैवर्सल क्या होता है, दो मुख्य एल्गोरिदम्स ग्राफ ट्रैवर्सल के क्या होते हैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, किसी भी एक नोड को पकड़ते हैं, किसी भी नोड को। ज़रूरी नहीं है कि 0 को ही पकड़ना है, 1 को ही पकड़ना है, या फिर सबसे छोटे को पकड़ना है, सबसे बड़े, किसी भी नोड को पकड़ लो और वहाँ से क्या करो, जो जो नोड्स उससे कनेक्टेड है उनको विजिट करते जाओ, उस नोड को विजिट करते जाओ और एक एक करके जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं फिर उसके बाद उनको विजिट करते जाओ। ये बात कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या प्रोसीजर है इस काम को करने का, ये देखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को ही देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ जिसका नाम है BFS स्पैनिंग ट्री। अब ये BFS स्पैनिंग ट्री है क्या चीज़, ये बता देता हूँ पहले आप लोगों को। ये जो BFS स्पैनिंग ट्री है ये ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बनता है। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि BFS स्पैनिंग ट्री के लिए हम एक ग्राफ को एज्यूम करेंगे और आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये। सबसे पहले तो एक ग्राफ उठा लो जो कि मैंने यहाँ पर उठा लिया है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4, 5, 6 जो राइट साइड में आपको ग्राफ दिया हुआ है उसको कंसीडर करो आप लोग। किसी भी नोड को एज अ सोर्स नोड एज्यूम कर लो, ठीक है। मैं 0 को कर लेता हूँ, ठीक है। 0 को मैं यहाँ पर एज अ सोर्स नोड एज्यूम कर लेता हूँ। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप 1 से भी कर सकते हो, 2 से, 4 से, 5 से, एज लॉन्ग एज आपका नोड ग्राफ में मौजूद है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 0 को यहाँ पर पकड़ना है, मेरी बात को सुनना ध्यान से, पकड़ना है और टांग देना है। जो पंखे का कुंडा होता है ना, सबके घर में होगा पंखे का कुंडा, किस किस घर में नहीं है मुझे बताओ कमेंट में। होंगे ऐसे बहुत सारे लोग, एसी होगा उनके घर में, लेकिन मेरे ऊपर भी है पंखे का कुंडा और होता ही है ज़्यादातर लोगों के घर पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी के घर में पंखे का कुंडा नहीं है तो वो सीलिंग या फॉल सीलिंग से बांध देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज़रा सोचो अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉल्स हों और ये जो कनेक्टेड ये यहाँ पर एजेस हैं, ये सारी की सारी एजेस को एक बार के लिए थ्रेड समझ लो, तो सारी की सारी बॉल्स नीचे चली जाएंगी कि नहीं जाएंगी, हाँ या ना। हाँ यार जाएंगी, ऑब्वियसली जाएंगी। और कुछ इस तरह से सारी की सारी बॉल्स नीचे लटक जाएंगी, लटकेंगी कि नहीं लटकेंगी, आई होप समझ में आ रहा है सबको कि लटकेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से यहाँ पर जो है ये सारी की सारी बॉल्स जो है लटक जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, जब ये बॉल्स यहाँ पर लटक गई हम कुछ कनेक्शंस को डैश्ड कर देंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, कुछ कनेक्शंस को डैश्ड कर देंगे। डैश्ड इसलिए करेंगे ताकि ये एक वैलिड ट्री बन जाए। हम लोगों ने ट्री वाले सेक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा था ट्री क्या होता है। एक बाइनरी ट्री तो नहीं है लेकिन एक ट्री है, ठीक है। क्योंकि 0 से 3 हमारे नोड्स कनेक्टेड हैं इसलिए हम लोग इसको बाइनरी ट्री नहीं कह सकते, क्योंकि बाइनरी में या तो कोई नोड कनेक्टेड ना हो या 2 नोड्स कनेक्टेड हो, मैक्सिमम 3 नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक ट्री है, तो मैंने ये वाला जो एज था इसको डैश्ड कर दिया, इसको डैश्ड कर दिया, क्योंकि अगर मैंने कनेक्ट कर दिया इसको तो ये एक वैलिड ट्री नहीं होगा। लेकिन हमारा ओरिजिनल ग्राफ में 2 और 3 कनेक्टेड है, 1 और 2 कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो 3 और 2 कनेक्टेड नहीं है, 1 और 2 कनेक्टेड नहीं है हमारे ट्री में, बट हमारे ओरिजिनल ग्राफ में कनेक्टेड है। मैंने यहाँ से क्यों हटा दिए कनेक्शंस, ताकि एक वैलिड ट्री बन जाए। सिमिलरली 2 बार कनेक्टेड नहीं हो सकता इसलिए इसको भी डैश्ड कर दिया, और ये एक वैलिड ट्री। आप इसको भी डैश्ड कर सकते थे, मैंने इसको कर दिया 2 और 4 के कनेक्शन को, मैंने इसको एक वैलिड ट्री बना दिया, ठीक है। एक बार मैंने इसको वैलिड ट्री बना दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ट्री का जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ना प्री ऑर्डर, ना इन ऑर्डर, ना पोस्ट ऑर्डर, हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात कर रहे हैं, इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो BFS ट्रैवर्सल इस ग्राफ का होगा।
जो एक ग्राफ हमने कंसिडर किया, हमने किसी भी एक सोर्स नोड से स्टार्ट किया, हमने कहा चलो यार जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, हमने क्या किया लटका दिया इसको जीरो से, तो नीचे को सारे नोड्स गिरे और एक ट्री हमें देखने को मिला। हमने उस ट्री को एक वैलिड ट्री बनाने के लिए कुछ कनेक्शंस को डैश्ड किया और हमने जो साइडवेज और डुप्लीकेट एजेस थी जो कि एक नोड को साइडवेज कनेक्ट कर रही थी या फिर एक नोड को दो बार ऊपर कनेक्ट कर रही थी, उसको हमने हटाया और एक वैलिड ट्री बनाया। हमारा कंस्ट्रक्टेड ट्री कहलाता है एक BFS स्पैनिंग ट्री, और इस ट्री का इनऑर्डर ट्रैवर्सल कहलाता है BFS ट्रैवर्सल इस ग्राफ का। ठीक है, आई होप समझ गए आप लोग इस चीज़ को। और एक बात और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा BFS स्पैनिंग ट्री होगा ना, ये यूनिक नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह से बनाया जा सकता है ये BFS स्पैनिंग ट्री। अगर हम वन की जगह, मान लो हम इस ट्री को फ्लिप कर दें तो वन की जगह थ्री आ जाएगा, तो ये एक अलग ट्री बनेगा, इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी अलग बनेगा। फिलहाल के लिए इसके लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को मैं लिख देता हूँ 0, 3, 2, 1 और 4, 5, 6। आई होप कि आपको याद है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ के सारे लिस्ट कर दूंगा, फिर मैं इस वाली लेवल के सारे लिस्ट कर दूंगा, फिर मैं इस वाली लेवल के सारे लिस्ट कर दूंगा नोट्स, फिर इस वाली के लिस्ट कर दूंगा और हमारे पास ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आ जाएगा। ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल तो है ही है, ये तो अभी हमने किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही इस ग्राफ का ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल है। ठीक है, तो इस ग्राफ का ट्रैवर्सल हमने निकाल लिया अपने ट्री के ट्रैवर्सल्स के ज्ञान से और बड़े आराम से निकल गया। तो कभी भी कोई ग्राफ आपको दिख जाए, ये सबसे आसान तरीका होता है मेरे हिसाब से, बहुत तेज़ तरीका होता है और गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी भी आप अगर किसी ग्राफ का ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल निकालना चाहते हो तो ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हमारे तो सर ने ऐसे पढ़ाया है, हमारे सर ने तो ऐसे पढ़ाया नहीं है, हमको तो एक दूसरे तरीके से बताया गया है। तो उन सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम अगर एल्गोरिदम भी लिख रहे हैं, ठीक है, हम अगर मान लो कोडिंग भी कर रहे हैं इस चीज़ की, तो हम BFS स्पैनिंग ट्री बनाकर नहीं करेंगे, हम उसी तरीके से करेंगे और वो तरीका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो BFS ट्रैवर्सल किस तरह से किया जाएगा ये भी बताता हूँ आप लोग को। सेम ग्राफ पे करेंगे, ठीक है, और वही रूल रहेगा, किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हमने पहले देखा था यहाँ पर, ये जो BFS स्पैनिंग ट्री था, ये मेथड वन था। ठीक है, इसको मैं मेथड वन कर देता हूँ, और कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग मेथड्स हैं। ये मेथड वन है कि यार एक BFS स्पैनिंग ट्री बना लो, उसका LOT ले लो, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ले लो। ये मेथड टू है, तो यहाँ पर अपने अपने मीटर को रीसेट कर लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये मेथड टू है, तो मीटर को रीसेट कर लो। अब जो तरीका बता रहा हूँ वो एक नया तरीका है। इस ग्राफ को कंसीडर करो जो कि राइट साइड पर है आपके, और हम किसी भी सोर्स नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे जीरो से ही, और हम जीरो को एक एक्सप्लोरेशन क्यू नाम की क्यू में इंसर्ट कर देंगे। ये प्रोसीजर है पूरा, तो ये मत पूछना ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आप लोग समझो पहले और आपको समझ में आ जाएगा खुद ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारे पास दो कलेक्शंस हैं, एक कलेक्शन है हमारे पास एक्सप्लोरेशन क्यू की और एक है विजिटेड की। तो ये जो विजिटेड है इसमें सारे विजिटेड नोड्स आने वाले हैं, और एक्सप्लोरेशन क्यू में हमारी जो एक्सप्लोर्ड हुई नोड्स हैं सारी की सारी वो आएंगी। ठीक है, सो 0, 1, 3, 2 ये इस तरह से कनेक्शंस हैं हमारे ग्राफ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो से, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो को विजिट भी कर ही लेते हैं और एक्सप्लोरेशन क्यू में भी डाल लेते हैं, क्योंकि यार हमने जीरो से ही स्टार्ट करा है, तो जीरो को विजिट भी कर लेते हैं और एक्सप्लोरेशन क्यू में भी डाल लेते हैं। ठीक है, ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, जीरो से कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो विजिट करेंगे 1, 2 और 3। ये काम जैसे ही हो गया हम कहेंगे कि जीरो एक्सप्लोर हो चुका है, और 1, 2, 3 को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन क्यू में भी डाल देंगे। 1, 2 और 3 को दोबारा से एक्सप्लोरेशन क्यू में क्यों डाला, क्योंकि यार कोई गारंटी नहीं है कि 1, 2, 3 से कनेक्टेड कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर एक पूरा ग्राफ हो सकता है, यहाँ पर एक पूरा ग्राफ हो, नीचे की तरफ हो सकता है, जो कि है ही ऑलरेडी एक ग्राफ 4, 5, 6 नोड्स हैं। तो 1, 2 और 3 से नीचे की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ और भी बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हो सकते हैं, तो हम उनको आगे एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए हमने उसको एक्सप्लोरेशन क्यू में डाल दिया। ठीक है, जीरो को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, क्योंकि जीरो से कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं उनको हमने विजिट भी कर लिया, यानी कि विजिटेड में भी डाल दिया है और एक्सप्लोरेशन क्यू में भी डाल दिया है। तो आई होप कि यहाँ तक सब लोग समझ गए। और ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम वन को लेंगे, हम कहेंगे चलो वन को एक्सप्लोर करते हैं। वन को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वन विजिटेड भी है, तो वन को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी विजिटेड में। ठीक है, वन से कनेक्टेड कौन कौन है, सिर्फ टू और ज़ीरो। टू भी विजिटेड है, ज़ीरो भी विजिटेड है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब टू को करते हैं, ठीक है, तो हमने ज़ीरो को कर लिया एक्सप्लोर, वन को एक्सप्लोर कर लिया, अब टू को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम टू को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम टू से कनेक्टेड सारे नोड्स को विजिट करेंगे, थ्री ऑलरेडी विजिटेड है तो फोर को विजिट करेंगे। ठीक है,
और उसी के साथ साथ एक्सप्लोरेशन क्यू में भी डाल देंगे फोर को, क्योंकि फोर एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ठीक है, फोर एक्सप्लोर्ड नहीं है, इसलिए फोर को डाल दिया एक्सप्लोरेशन क्यू में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, टू भी हमारा जो है वो एक्सप्लोर हो चुका है। अब बारी आएगी थ्री की, थ्री से कनेक्टेड कौन है, जीरो टू और फोर, जीरो और टू तो विजिट हो चुके हैं, फोर भी विजिट हो चुका है, ठीक है, तो थ्री एक्सप्लोर हो चुका है। अब देखो एक्सप्लोर और विजिट में डिफरेंस समझो, यहाँ पर एक्सप्लोर का क्या मतलब है, एक्सप्लोर का मतलब है कि उसके कनेक्टेड सारे विजिटेड हैं कि नहीं है, ठीक है, और विजिट का मतलब क्या है कि विजिटेड वाली जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रोसीजर हम लोग जो है फोर के साथ भी करेंगे, अब फोर से कनेक्टेड जो जो है उसको हम लोग विजिट भी कर लेंगे और एक्सप्लोरेशन क्यू में भी डाल देंगे, ठीक है, और जो विजिटेड हैं ऑलरेडी उनको दोबारा विजिटेड में नहीं डालेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखो फोर हमने एक्सप्लोर कर लिया तो फोर को मैं काट दूंगा, सिमिलरली फाइव को मैं यहाँ पर जल्दी से एक्सप्लोर करूंगा, यानी कि उससे कनेक्टेड सारे नोड्स को विजिट करूंगा, ऐसा कोई नोड है ही नहीं जो कि विजिटेड ना हो और फाइव से कनेक्टेड हो, इसलिए इसको भी काट दूंगा। सेम काम मैं सिक्स के साथ करूंगा, तो फाइव एक्सप्लोर हो चुका है एट दिस पॉइंट, सिक्स को एक्सप्लोर करूंगा, सिक्स से कनेक्टेड सारे नोड्स जो हैं विजिटेड में मौजूद हैं, और सिक्स से कनेक्टेड कोई ऐसा नोड नहीं है जो कि विजिटेड में मौजूद ना हो, इसलिए मैंने सिक्स को भी काट दिया, सिक्स भी एक्सप्लोर हो चुका है। अब क्योंकि हमारी क्यू एम्प्टी हो चुकी है, हम इस प्रोसीजर को स्टॉप करेंगे, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया BFS ट्रैवर्सल, तो ये हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल आ गया। तो इस ट्रैवर्सल से, इस मेथड से हम लोग ये ट्रैवर्सल निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, चलो देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। तो अभी तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया BFS किस तरह से काम करता है, बट यहाँ पर देखो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया एक्सप्लोरेशन क्यू के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स डाले जो कि ज़ीरो से कनेक्टेड थे, किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो आप लोग, और विजिटेड में भी ज़ीरो से कनेक्टेड जो भी नोट्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो, मैंने 1, 2, 3 इसी ऑर्डर में डाल दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ज़ीरो को एक्सप्लोर करेंगे, देखो मैंने ज़ीरो को काटा है नीचे और ज़ीरो से कनेक्टेड सारे नोट्स को विजिटेड में डाल दिया है, और उसी के साथ साथ जीरो से कनेक्टेड सारे नोड्स को जो कि विजिटेड नहीं है उनको एक्सप्लोरेशन क्यू में डाल दिया है, ठीक है। जीरो एक्सप्लोर हो चुका है, अब वन की बारी है। अब यहाँ पर वन भी एक्सप्लोर हो चुका है क्योंकि टू भी ऑलरेडी और जीरो भी ऑलरेडी विजिट हो चुके थे, इसलिए हमने डायरेक्टली थ्री को एक्सप्लोर किया, वन हमें एक्सप्लोर हुआ हुआ दिख रहा था, थ्री को जब हमने एक्सप्लोर किया तो हमने देखा कि थ्री से कनेक्टेड है हमारा फोर, और उसी के साथ साथ थ्री से कनेक्टेड है हमारा टू, ठीक है, तो इसलिए हमने जो है फोर और टू को जो है डाल दिया यहाँ पर। अब वन यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड था और वन से कनेक्टेड सारे के सारे नोट्स क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड में दिखाई दे ही रहे हैं, जीरो भी विजिटेड है, टू भी विजिटेड है, इसलिए वन को हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर काट के सीधे थ्री को एक्सप्लोर किया। थ्री को एक्सप्लोर करते वक्त हमने पाया कि फोर विजिटेड नहीं है, इसलिए हमने फोर को विजिटेड में भी डाल दिया और हम फोर को एक्सप्लोरेशन क्यू में भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो फोर को आप लोग देख सकते हो एक्सप्लोरेशन क्यू में भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब बारी आती है टू की, अब हम करेंगे टू को एक्सप्लोर। जब हम टू को एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोग देखो कोई ऐसा नोड मुझे दिखाई नहीं दे रहा जो कि टू से कनेक्टेड हो और विजिटेड ना हो, इसलिए टू भी हमारा एक्सप्लोर हो चुका है। अब बारी है फोर की, फोर को जब हम करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फोर से कनेक्टेड फाइव और सिक्स हैं जो कि विजिटेड नहीं है, इसलिए हम लोग इनको डाल देंगे विजिटेड में और एक्सप्लोरेशन क्यू में भी। फिर हम फाइव और सिक्स दोनों को एक एक करके एक्सप्लोर कर देंगे क्योंकि उनसे कनेक्टेड कोई नोड्स ही नहीं है जो कि विजिटेड ना हो। तो ये था हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है उसको भी रीड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आप लोग को समझा भी दिया है BFS, और एक फास्ट फॉरवर्ड भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बार और करके दिखा दूंगा BFS कैसे निकाला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो BFS का एल्गोरिदम है इसको आप लोग देखो, इसको समझने की कोशिश करो। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा जहाँ पर मैं आप लोगों को कोड भी लिखकर दिखाऊंगा और हम क्यू की रेडीमेड इम्प्लीमेंटेशन को इस्तेमाल करेंगे, हमने जो क्यू ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखी है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगी ये बात। आई होप कि समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को, और उसी के साथ साथ ये जो एल्गोरिदम है अगर आप इसको रीड आउट करके इम्प्लीमेंट करें और इसका एक सी कोड बना दें तो नथिंग बेटर देन दैट। कोशिश करना खुद से, और आई होप कि मज़ा आया आप लोगों को। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, उसके बाद मैं दोबारा से आप लोगों को जो BFSS ग्राफ का निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं ज़रा ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ, यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। वी कैन स्टार्ट विद एनी वर्टेक्स, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ये बात तो हमने देख ही रखी थी। ज़रूरी नहीं है कि आप जीरो से ही स्टार्ट करो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी वर्टेक्स से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो।
उसके बाद भी देयर कैन बी मल्टीपल वी एफ एस रिजल्ट्स, ये यूनिक नहीं होता है। अगर आपने जीरो से स्टार्ट करा तो आपको कुछ और रिजल्ट मिलेगा, वन से स्टार्ट करा तो कुछ और मिलेगा, फोर से करा तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा। तो बी एफ एस यूनिक तो होता ही नहीं है, एक से ज़्यादा बी एफ एस हो सकते हैं। दी ऑर्डर ऑफ विजिटिंग द वर्टिसेस कैन बी एनीथिंग, अगर मैं जीरो से भी स्टार्ट करता हूँ उसके बाद भी बी एफ एस डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है जो वन टू और थ्री हो, किसी ने उसको विजिटेड के अंदर वन टू थ्री ऑर्डर में डाला हो, हो सकता है किसी ने 1-3-2 में डाला हो सकता है किसी और ने 2-3-1 में डाला हो। तो बी एफ एस जो है यहाँ पर यूनिक तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्विज़ है, यहाँ पर मैंने क्विज़ दे रखी है आपको, ट्राई टू फाइंड अदर वैलिड बी एफ एस फॉर दिस ग्राफ। इस ग्राफ के लिए आप लोगों को और वैलिड बी एफ एस जो है वो निकालने हैं, और ये चीज़ आप लोग खुद से ज़रूर करना यार, क्योंकि अगर आप लोग इसको खुद से नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा यार उतनी अच्छे से। मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए, इसको ज़रूर आप लोग जो है इम्प्लीमेंट करो। मैं यहाँ पर एक और आपको करके दिखा दूंगा, जीरो से स्टार्ट करते हुए मैंने आपको करके दिखाया था, आप लोग वन से स्टार्ट करके दिखाओ। और प्लीज़ यार सब लोग एक कमेंट नीचे ज़रूर मारो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बहुत सारे बीएफएस इम्प्लीमेंटेशन सब लोग नीचे कमेंट में लिख दें, काफ़ी मज़ा आएगा ऐसा आप लोग करोगे तो। ज़रूरी नहीं आपको जीरो से स्टार्ट करना है, वन से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, टू से भी स्टार्ट कर सकते हो, थ्री फोर, कुछ लोग फाइव से भी प्लीज़ स्टार्ट करना, ऐसा नहीं है सब वन से ही स्टार्ट करने लग जाएँ, सिक्स से भी स्टार्ट करना, फोर से करो, टू से, थ्री से, रैंडमली उठा लो कोई भी नोट, ज़रूर एक दूसरा बी एफ एस इम्प्लीमेंटेशन मुझे दिखाओ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दोबारा से बी एफ एस को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ किस तरह से बी एफ एस को निकालना है ग्राफ के लिए, ये बताता हूँ। देखो यार, हम दो कलेक्शंस, एक लिस्ट जो कि हमारे विजिटेड नोट्स की लिस्ट है और एक क्यू जिसको हम एक्सप्लोरेशन क्यू कहते हैं, हम दो चीज़ें मेंटेन करते हैं। हम किसी एक नोट से स्टार्ट करते हैं, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको हम एक्सप्लोरेशन क्यू में डालते हैं और उसको विजिट भी कर लेते हैं। उसी के साथ साथ अगर हमने एक्सप्लोरेशन क्यू के किसी नोट से कनेक्टेड सारी की सारी नोट्स को, जैसे कि जीरो से कनेक्टेड 1-3 हैं, उनको विजिट कर लिया तो ये एक्सप्लोर्ड माना जाता है, इसलिए इसको काट देते हैं। तो हम क्योंकि 1-3 को यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, इसलिए क्या होगा कि हम इसको मान लेंगे कि ये एक्सप्लोर्ड हो चुका है जीरो, और उसी के साथ साथ इससे कनेक्टेड जो अनविजिटेड वर्टिसेस हैं उनको हम लोग डाल देंगे यहाँ पर 1-3, ठीक है। जो अनविजिटेड नोट्स हैं उनको हमने एक्सप्लोरेशन क्यू में डाल दिया। अगला नंबर वन का है, ये तो एक्सप्लोर हो चुका है इसलिए इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। अगला नंबर वन का है, वन को एक्सप्लोर करूंगा, वन को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, थ्री और जीरो दोनों को विजिटेड में डालना होगा, तो ये तो यार ऑटोमेटिकली ही पहले से एक्सप्लोर था तो इसको भी मैं काट दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आएगा टू का, टू से कनेक्टेड है फोर और थ्री, थ्री ऑलरेडी मौजूद है, फोर मौजूद नहीं है, इसलिए फोर को विजिट भी कर लेंगे और एक्सप्लोरेशन क्यू में भी डाल देंगे, ठीक है। तो टू का भी काम हो गया हमारा, टू को भी मैं काट दूंगा, ठीक है, टू भी काट देता हूँ मैं। अब बारी आती है थ्री की, ठीक है, थ्री से कनेक्टेड है फोर, वन और टू सब विजिटेड है, ठीक है, तो थ्री मुझे फ्री फंड में जो है एक्सप्लोर मिल गया तो इसको भी मैं काट दूंगा, ठीक है। कोई ऐसा नोड नहीं है जो कि थ्री से कनेक्टेड हो और विजिटेड ना हो, इसलिए मुझे ना एक्सप्लोरेशन क्यू में डालने की ज़रूरत है कुछ, ना विजिटेड नोट्स में, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर से करेंगे, फोर से कौन कौन कनेक्टेड है, फाइव और सिक्स, फाइव और सिक्स को विजिटेड में भी डाल देंगे और एक्सप्लोरेशन क्यू में भी डाल देंगे, ठीक है, तो फोर भी हो गया हमारा, ठीक है। फाइव से कौन कौन कनेक्टेड है, फोर कनेक्टेड है बस और वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो फाइव का भी काम हो गया। सिक्स से कौन कौन कनेक्टेड है, सिर्फ फोर कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी विजिटेड है, इसलिए इसको भी काट देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लोरेशन क्यू हमने निपटा दी पूरी। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि एक्सप्लोरेशन क्यू के अंदर हो और हमने उसको एक्सप्लोर ना किया हो, सारे नोट्स एक्सप्लोर हो चुके हैं, फाइव और सिक्स को भी मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया सबको कि किस तरह से बीएफएस काम करता है। अगले वीडियो में कोड देखते हैं बीएफएस का। अगर आप लोगों ने डीएसए की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर डीएसए की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.